हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो मैं आप लोगों के लिए 10 अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर के लेके आया हूँ 10 मई से। तो अगर आप लोग वीडियो देखिएगा अगर पूरा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, बिना देखे वीडियो अनलाइक मत किया करिए दोस्तों। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो देखा करिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बताया ज़रूर करिए कि क्यों आपको बुरी लगी है वीडियो, और सुझाव दिया करिए जिससे मैं आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ को सुधार सकूँ। और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर लास्ट में आप लोगों को वीडियो देखने के बाद इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके आराम से लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि असम में यहाँ पे चुनाव हुए हैं अभी जल्दी ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, असम के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। अभी वहाँ पे शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में आप सभी को पता चल चुका होगा कि शपथ ग्रहण हो चुका, कल मैं बता भी चुका हूँ। ममता बनर्जी तीसरी बार वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है। तो अब असम की बारी है, वहाँ पर अभी जो शपथ ग्रहण है वो नहीं हुआ है। तो असम के मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत बिस्वा सरमा। तो याद रखिएगा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हेमंत बिस्वा सरमा, ये अब असम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। 9 मई 2021 को इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल का नेता चुना जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर 9 मई को, यानी कि कल, यस्टरडे, इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, भाजपा के विधायक दल का नेता। ये जलकुबरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एम के कौशिक का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो एम के कौशिक जी हॉकी से संबंधित खेल से संबंधित थे, हॉकी खेलते थे। एम के कौशिक भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच थे। कौशिक मास्को में 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा भी थे। उन्हें 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1988 में एशियाई खेलों में जो हॉकी का एशियाई खेल था उसमें स्वर्ण में भारत की पुरुष टीम को कोचिंग दी थी। यानी कि वहाँ पर 1988 में जो स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, वहाँ पर एम के कौशिक जी ने भारतीय टीम को कोचिंग दी थी। यानी कि भारतीय टीम के कोच एम के कौशिक जी ही थे। इससे यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि 1988 में भारतीय टीम के कोच हॉकी के एम के कौशिक जी थे। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन से यहाँ पर रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों की कितने सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। तो यहाँ पे 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का यहाँ पे गठन किया है। किसने किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे शीर्ष चिकित्सकों और विशेषज्ञों से कि यहाँ पे 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल समिति यहाँ पे बनाई है। यह कोविड-19 रोगियों के जीवन को बचाने के लिए और महामारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक जो ऑक्सीजन है उसका आवंटन करने के लिए एक पद्धति तैयार करेगा। जैसे आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की जो दिक्कतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसको जो उसका बंटवारा हो रहा है, उसका जो रख रखाव है वो काफ़ी गलत तरीके से किया जा रहा है। जो उसका आवंटन वो बराबर तरीके से जिसको जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से काफ़ी रोगियों को प्रॉब्लम हो रही है। इसमें एम्स के रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुधिराज और 2 IAS अधिकारी शामिल होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एम्स के हैं जो आपके इस समिति में शामिल होंगे, रणदीप गुलेरिया और मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुधिराज। ये 2 नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इन दोनों लोग का नाम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण अरब सागर में एक सैन्य अभ्यास या फिर सैन्य ड्रिल का आयोजन किया गया इनके बीच।
तो शयन अभ्यास और शयन ड्रिल एक ही होता है, याद रखिएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच यहाँ पे दक्षिणी अरब सागर में एक सैन्य अभ्यास यहाँ पे आयोजित किया गया था। राजधानी है, अगर यहाँ पे इंडोनेशिया की बात की जा रही है तो राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता। राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के जोको विडोडो, याद रखिएगा। राष्ट्रपति मैंने बता दिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता। और भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सैन्य ड्रिल यहाँ पे आयोजन किया गया था। उसका कहाँ पे किया गया था याद रखिएगा, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दक्षिणी अरब सागर में। इसका लक्ष्य उनकी अंतर क्षमता में और सुधार लाना है। तो जो भारत है और इंडोनेशिया है, ये सैन्य ड्रिल क्यों आयोजित किया गया था अगर आपसे पूछता है, तो यहाँ पे ये आयोजन जो किया गया था, दोनों देशों की जो अंतर क्षमता है उसमें सुधार लाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स के गठन का निर्माण किया है या फिर निर्णय लिया है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार है जो विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करेगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर द्वारा बच्चों को प्रभावित करने की संभावना है। आप सभी को पता है कि पहली लहर में बच्चों को संक्रमण बहुत ही कम था, ना के बराबर था, लेकिन दूसरी लहर में आप छोटे बच्चों को थोड़ा सा चपेट में लिया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें छोटे बच्चों को भी प्रभावित करेगा ये कोविड-19। तो इससे बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, यहाँ पे विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि छोटे बच्चों को सहायता प्रदान करेगा कोविड-19 से जो उनको प्रॉब्लम होगी। इस आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जी हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि महाराष्ट्र लगभग डेली करंट अफेयर की न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पे मैं उसके प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ पे जो उनके राज्यपाल होते हैं इनका नाम ज़रूर बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। कल मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल के अलावा कहाँ के राज्यपाल हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, भगत सिंह कोश्यारी और आनंदीबेन पटेल दो दो राज्यों के यहाँ पे राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं, और आनंदीबेन पटेल आपकी यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। छठवां क्वेश्चन है, केंद्र ने पंचायतों को कितनी राशि अनुदान में के रूप में जारी की है? तो केंद्र है जो पंचायतों को, सभी पंचायतों को 8,924 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान दिया है। व्यय विभाग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को अग्रिम में, यानी कि ये एडवांस है, 8,924 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो राशि जरूर याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितनी राशि अनुदान में दी गई है। यहाँ पे पूछेगा कि केंद्र द्वारा पंचायतों को कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में होंगे, वहाँ पे आपका आंसर होगा 8,924 करोड़ रुपए। इस राशि का जो वर्ष है 2021-22 के लिए टाइड ग्रांट्स की पहली किस्त है, यानी कि ये पहली किस्त दी जा रही है 2021-22 के लिए, और ये एडवांस है जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया 21-22 के लिए। अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों, गांव, ब्लॉक और जिले के लिए ये आवेदन जो अनुदान दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ 8 वर्ष बाद पुनः व्यापार यहाँ पे व्यापक मुफ्त व्यापार समझौते के लिए फिर से वार्ता के लिए तैयार हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको यहाँ पे बताना है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप लोगों को बताना है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब इसे एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देता हूँ, इसका मुख्यालय का नाम आपको बताना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता जून 2007 में हुआ था, लेकिन 8 सालों से ये स्थगित चल रहा था। ये हुआ था अब जो रोका गया था 2013 में रोक दिया गया था, तो आप सभी को पता है कि 2013 से अभी 2021 चल रहा है, तो 8 साल हो गया है। कारण क्या था? जब दोनों पक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर को कम करने में विफल रह गए थे। तो 2007 में स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे 6 साल चला था ये समझौता, 2013 तक समझौता, 2013 में रोक दिया गया था क्योंकि यहाँ पे दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे मुद्दों पे। लेकिन ये फिर से अब 2021 में फिर से स्टार्ट हो गया है,
और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर के कोविड-19 के टीके को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो फाइजर को यहाँ पे मंजूरी दी है, आपातकालीन मंजूरी दी है श्रीलंका ने। सरकार फाइजर टीके की 5 मिलियन खुराक का यहाँ पे आदेश देगी। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख खुराक श्रीलंका खरीदेगी फाइजर कंपनी से। फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला देश जो श्रीलंका है, दक्षिण एशिया का पहला देश है। राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नौवां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? तो राफेल नडाल हैं स्पेन के खिलाड़ी, आप सभी को पता है टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको नामित किया गया है 2021 के लिए लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और अगर यहाँ पे बात की जाए लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है यहाँ पे, तो नाओमी ओसाका को दिया गया है, जापान की हैं। तो दोनों लोग टेनिस खेलते हैं, नाओमी ओसाका जापान के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर के लिए आपसे पूछ लेगा कि 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो दिया गया है राफेल नडाल को और वुमेन्स का दिया गया नाओमी ओसाका को। टीम ऑफ द ईयर दिया गया है ब्रायन म्यूनिक को और एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के हैं ये, फार्मूला 1 की गाड़ी जो रेस होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया गया पैट्रिक महोम्स को और कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया है मैक्स पैरेट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया बिली जिन को। याद रखिएगा ये सारे नाम याद रखिएगा जो यहाँ पे मैं 5 नाम इसके अलावा बताया है मैंने, क्वेश्चन के अलावा स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन के अलावा यहाँ पे मैंने बताया, ये 5ों नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। अब चलते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, लेकिन आप ये आपके लिए इस क्वेश्चन के बाद आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ एक आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? तो यहाँ पे निलंबित किया यानी कि आर्थिक समझौते को यहाँ पे रोक दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का समझौता था आर्थिक, उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो उसका रोड प्रोजेक्ट था चीन का, उससे यहाँ पे हट गया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो याद रखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। अब समय आ गया आज का क्वेश्चन देखने का, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने इवाजाज टैबलेट लॉन्च किया है, जो कि आप सभी को बता दूं मैं कोविड-19 के लिए है ये टैबलेट। तो कोविड-19 के आपातकालीन स्थिति में इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। इवाजाज टैबलेट है इसका नाम, इसको आपको बताना है कि इसको किस कंपनी ने बनाया है। अब देखते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल का प्रश्न था, सीमा बिस्ला किस खेल से संबंधित है? तो सीमा बिस्ला जी रेसलिंग से संबंधित है, पहलवानी जिसको कहते हैं, पहलवानी करती हैं ये सीमा बिस्ला जी। हाल ही में सीमा बिस्ला को बुल्गारिया के सोफिया के में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में फाइनल में पहुंचने के बाद महिलाओं के 50 किग्रा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है। याद रखिएगा सीमा बिस्ला हैं 50 किलोग्राम वर्ग में यहाँ पे क्वालिफाई की हैं टोक्यो ओलंपिक में। इस आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाली 4थी भारतीय महिला और 8वीं ओवर ऑफ ऑल रेसलर हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सीमा बिस्ला जी रेसलिंग से संबंधित है। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई इसमें कमी लगती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। डिसलाइक कर दिया करिए लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि क्या कमी है, जिससे मैं अगली वीडियोज़ में वो चीज़ सुधार कर सकूँ। अगर आपने आज की वीडियो देखने के बाद कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और डेली बेसिस पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।